बायोलॉजी चूज करने के पीछे एज सच कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरा बायोलॉजी में जो इंटरेस्ट था वो डेवलप कर दिया। कैसे कर दिया कि टेंथ मैंने जैसे ही पास आउट किया, तो टेंथ पास आउट करने के बाद इलेवेंथ क्लास में बात आई कि भाई सब्जेक्ट क्या लेना है। तो एक्चुअली हम क्या, एक ग्रुप था हमारा दोस्तों का, टेंथ क्लास तक 9 दोस्त थे हम एक साथ, और सबके सब सरदारों के लड़के थे। अच्छा। तो एज ए बैक बेंचर भी कह सकते हो आप, लेकिन पढ़ने में हम इतने बुरे नहीं थे, परसेंटेज ठीक थे हमारे। तो हम क्या मैथ्स की क्लास में बैठ गए। वो ईयर ऐसा चल रहा था कि भाई मैथ्स को लेकर थोड़ा सा ये चल रहा था कि भाई इंजीनियर्स की ज़्यादा डिमांड है और डॉक्टर्स की कम, तो रेशो रहता था कि 40 स्टूडेंट्स में से 35 मैथमेटिक्स के साथ होते थे और 5 बायोलॉजी के साथ होते थे। अच्छा। अब हम भी इंस्पायर्ड थे कि हम भी मैथमेटिक्स लेंगे, और हम जाके बैठ गए मैथ्स की क्लास में। तो हमारे जो मैथ्स के टीचर थे तो उन्होंने हमें देखा। अब क्या होता है कि छोटी जगहों पर, छोटे जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि भाई कौन किसका है, किसके घर से है। तो वो टीचर जो थे वो भी सरदार थे और फैमिलियर थे और जानते थे कि भाई ये बच्चे हैं। तो उन्होंने हमें खड़ा करके बाहर निकाल दिया कि भाई ये क्लास आप लोगों के लिए है ही नहीं। अच्छा। आप लोगों को तो साइंस थोड़ी पढ़नी है, चलो चलो आर्ट्स में चलो या एग्रीकल्चर में चलो। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो क्या होता था कि मैथ्स की और बायोलॉजी की क्लास ना अलग होती थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ लगता था। तो यहाँ रूम में मैथ्स लग रहा है, बाहर निकलो तो साथ वाले रूम में बायोलॉजी चल रही है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था पवनदीप, मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि ये भी साइंस की क्लास है, चल इसमें चलते हैं। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि मैंने कहा यार नहीं, उन्होंने बेइज्जती करी है, ये भी करेंगे, अपने वहीं चलते हैं आर्ट्स या एग्रीकल्चर में, फिर भी देखते तो हैं। हम एक साथ 4-5 जब घुसे तो सामने सर के पास केवल 5 ही स्टूडेंट बैठे थे बायोलॉजी के, राजेंद्र सर पढ़ा रहे थे उनको। और जैसे उन्होंने देखा तो उनका चेहरा खिल गया कि अरे और बच्चे आ गए बायोलॉजी के। उन्होंने बड़ी आवभगत करी और रिस्पेक्टफुली हमें बिठाया। तो बस उस दिन मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हो गया, और डेस्टिनी आज ये है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बात जानना भी चाहते हैं कि भाई आप ऑलरेडी पहले से कोटा में थे, इतने साल से पढ़ा रहे थे और सब सही चल रहा था, तो आप अनअकैडमी क्यों आए, अनअकैडमी ही क्यों? तो शायद पहले मेरे पास इसका सही आंसर ना होता, लेकिन आज मैं 1 साल से ज़्यादा अनअकैडमी में काम कर चुका हूँ, बच्चों को डील कर लिया है मैंने, पढ़ा भी दिया। तो मेरे पास एक सही आंसर ये है आज कि जो अनअकैडमी का सिस्टम मैंने नोटिस किया है वो स्टूडेंट प्रायोरिटी सिस्टम है। स्टूडेंट प्रायोरिटी सिस्टम में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि ये स्टूडेंट की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे इससे पहले जहाँ भी, जिस भी इंस्टीट्यूट में मैं था, वहाँ व्हाइट बोर्ड पर ही हमने पढ़ाया, कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी। और ज़्यादातर ये होता था कि कलरफुल मार्क्स हाथ में है मेरे 5 से 6 और मैं उन्हीं से ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी आने के बाद एक हाइब्रिड मॉडल आया बच्चों के लिए। शुरू के दिनों में डिजिटल स्क्रीन लगी क्लासरूम में, तो लगा कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, पहली बार पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा। और फिर उसके बाद कैमराज भी लग गए। लेकिन आज मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जैसे मैं एक क्लास में पढ़ा के आया हूँ, 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट 1.5 घंटे क्लास, कई बार क्या होता है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड वैसा नहीं रहता पूरी क्लास के अंदर कंटिन्यूअस। एक टाइम ऐसा आता है कि भाई 5 मिनट के लिए बच्चा कहीं ना कहीं चला गया, फिर वापस आया, उसे लगता है यार ये 5 मिनट की चीज़ मेरी रह गई। अब उसको ये होता था कि टीचर काउंटर पे मिलेगा और मैं जाके टीचर से बात करूंगा, वो चीज़ माइनस कर दी अनअकैडमी ने। उस बच्चे के पास मेरी उस क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो घर पे जब बैठा है रिवीजन के लिए और उसको कोई चीज़ अगर याद नहीं आ रही है तो उसे देख सकता है, रिकॉल कर सकता है, दोबारा रिव्यू कर सकता है कि सर ने ये बात कैसे समझाई थी। दूसरा, जो मैं क्लासरूम में बोलता हूँ और मैं बच्चों को जो लिखवाता हूँ, बच्चा वो लिख रहा है। एक टीचर की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं नोट्स बनवाता ही नहीं हूँ, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्लासरूम में मैंने किसी चीज़ को कैसे समझाया था या मैंने कैसे ड्रॉ किया था, बच्चा उस चीज़ को देखना चाह रहा है दोबारा फिर से रिकॉल करने के लिए, तो उसका भी उसके पास PDF है कि सर ने ये बात कैसे समझाई थी। तो स्टूडेंट प्रायोरिटी सिस्टम है, और मेरे को लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल आने के बाद अनअकैडमी को देख के और भी बहुत सारे लोगों ने इसी सिस्टम को फॉलो भी किया है। और हाइब्रिड मॉडल अभी तक का मुझे सबसे सही सिस्टम लगा इनका, और स्टूडेंट प्रायोरिटी जो लगती है उसी वजह से मैं आज अनअकैडमी के अंदर हूँ। और शुरू में लगता था कि मेरे पास सही आंसर नहीं होगा शायद, लेकिन आज मेरे पास बहुत सही आंसर है कि मैं बता सकता हूँ लोगों को कि मैं आज अनअकैडमी में क्यों हूँ।